आज हम पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर जो होता है उसे कैसे डिफाइन करते हैं? वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बाइंड करता है एंजाइम के साथ और क्या कर देता है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये एक इनहिबिटर है, ठीक है, जो बाइंड करता है एंजाइम के साथ और क्या करता है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इनहिबिटर जो है वो दो टाइप का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, और फिर इसको थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल और एलोस्टेरिक। तो अब हम देखेंगे रिवर्सिबल में क्या क्या है। रिवर्सिबल में दो आते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव। और रिवर्सिबल का मतलब क्या है, इसमें इनहिबिटर जो है, देखिए इसमें जो इनहिबिटर है वो बाइंड करेगा नॉन कोवेलेंटली विद एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड अगर ये बाइंड कर गया, और एंजाइम इनहिबिशन जो है इसमें हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनहिबिटर को हटा दें तो। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि इनहिबिटर नॉन कोवेलेंटली बाइंड करता है और एंजाइम इनहिबिशन हम रिवर्स कर सकते हैं अगर इनहिबिटर जो है रिमूव कर लिया जाए तो। जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है इसको फर्दर क्लासिफाई कर रखा है दो में। ठीक है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट होती है, किसमें, आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आप सीधा उनको अगर डायग्रामेटिक व्यू दिखाएंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक एंजाइम है, दिस इज़ एन एंजाइम। ओके, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और एंजाइम बाइंड करता है किसके साथ, इनहिबिटर के साथ। बट ऐसा क्यों, जब वहाँ पर सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट था तो ऐसा क्यों हुआ कि एंजाइम ही बाइंड हुआ वहाँ पे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सबस्ट्रेट है और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है दोनों का जो क्या है, स्ट्रक्चर सेम है। देयर इज़ अ स्ट्रक्चरल एनालॉग बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा एंजाइम की साइड पे और क्या करेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देगा। उसी तरह थ्योरी पढ़ने से पहले ही मैं आपको नॉन कॉम्पिटिटिव भी बता देती हूँ, जिससे कि आपके फंडास जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी एंजाइम की साइट पे, सॉरी एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके अदर साइट पे बाइंड करेगा। और दूसरा यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है उन दोनों का स्ट्रक्चरल जो है वो डिफरेंट, जो उनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ओके, तो फिर ये इनहिबिटर जो है यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट पे ना जाके अदर साइट पे बाइंड करेगा, बट फिर भी ये एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस को रोक देगा। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग की वजह से स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का वो डिस्टॉर्ट हुआ है। ठीक है, और इसमें भी एंजाइम कैटालिसिस नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, तो एक बार हम देख लेते हैं। इसमें इनहिबिटर जो है क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, ये देखिए, इनहिबिटर इज़ क्लोजली रिजेंबल्स द रियल सबस्ट्रेट रिगार्डेड एज सबस्ट्रेट एनालॉग। द इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट एंड बाइंड एट द एक्टिव साइट। जो इनहिबिटर है वो कम्पीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा, कॉम्पीट करके और बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ और क्या बना देगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसकी वजह से कैटालिसिस नहीं होगा, और जब तक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसकी साइट पे है तो एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा सबस्ट्रेट के लिए बाइंड करने के लिए। ठीक है, इस रिएक्शन में ES और EI जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बनते हैं। तो आप देख सकते हैं जब सबस्ट्रेट कंबाइन करता है तो सबस्ट्रेट आगे क्या बना रहा है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, लेकिन जब इनहिबिटर बन रहा है, इनहिबिटर कंबाइन कर रहा है तो क्या बन रहा है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ओके,
अब इसमें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस आपके नीट पीजी एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पैराग्राफ में से, वो ये है कि KM की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती है और VMAX की वैल्यू यहाँ पे अनचेंज्ड रहती है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो आपको बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में हर जगह पूछी जाएगी, ठीक है। और एक और बात है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में, अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की, ठीक है, उनमें एफिनिटी है तो क्या होगा, एंजाइम डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की और इनहिबिटर की और उनकी एफिनिटी एंजाइम के साथ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की, और उनकी कितनी एफिनिटी है, कितनी सिमिलैरिटी है उनकी बाइंड करने के साथ, मान लो ये आपका क्या है, एंजाइम है, तो इन दोनों की किसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी है, ठीक है, बाइंड करने की एंजाइम के साथ, वो डिफाइन करता है डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और इस इनहिबिशन को एज द नेम सजेस्ट रिवर्सिबल इनहिबिशन, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो आप देख सकते हैं इनहिबिशन कुड बी ओवरकम इफ द हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और इसमें याद रखना है आपको कि KM की वैल्यू इंक्रीज होती है और VMAX की अनचेंज्ड रहती है। KM की वैल्यू मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ KM, इट इज़ अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, जब आपके 50% मॉलिक्यूल्स जो है सबस्ट्रेट के बाइंड कर जाते हैं, 50% मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम, तो जो कांस्टेंट आता है वो KM आता है, तो यानी कि सबस्ट्रेट उस टाइम इक्वल हो जाता है KM के, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक, मैं आपको बताती हूँ, एक सक्सिनिक एसिड होता है, ठीक है, और उसी के स्ट्रक्चरली सेम तीन चार एसिड और होते हैं, मेलोनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सक्सिनिक एसिड के साथ, तो कंपीट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, ये सारे कंपीट करेंगे और क्या करेंगे, एक्टिव साइट जो है SDH की, मान लो ये SDH है, इसकी एक्टिव साइट पे जाके खुद बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सिनिक मिलर स्ट्रक्चर है मेलोनिक के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं मिथेनॉल टॉक्सिसिटी क्या होता है। मिथेनॉल क्या है, उसकी वो क्या करता है, ADH के साथ कंबाइन कर देता है, कंबाइन हो जाता है उसकी एक्टिव साइट पे जाके, इसकी वजह से कई लोगों में मिथेनॉल टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है मिथेनॉल से, तो इथेनॉल की जगह पे मिथेनॉल जाके बाइंड कर जाता है कहाँ पे, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं मिथेनॉल टॉक्सिसिटी में, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लॉक कर देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, क्योंकि इनका एक्शन जो होता है इनहिबिटरी होता है एंजाइम्स पे, और इनको एंटी विटामिंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं सबस्ट्रेट के, और ये एग्जांपल किसके हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स के, ठीक है। तो इनको यूज़ किया जाता है एंटी मेटाबोलाइट्स को किस लिए, ताकि हम बायोकेमिकल एक्शन जो है विटामिंस के जो डेफिशिएंसी कॉज कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर सकें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है सल्फोनिल अमाइड एंड डाइक्यूमेरॉल, ओके। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, जो एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके अदर साइट पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए, द बाइंडिंग इम्पेयर्स द एंजाइम फंक्शन, जो है अदर एक्टिव साइट पे जाके भी वो कंबाइन करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एंजाइम का फंक्शन इम्पेयर हो जाता है। इनहिबिटर की कोई स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस नहीं होती है, सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। तो देर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द इनहिबिटर टू बाइंड एट द सेकेंड साइट, ठीक है। तो वो एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके कौन सी साइट पे बाइंड करता है, अदर साइट पे, ठीक है, और इसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो जाता है एंजाइम की कन्फॉर्मेशन में, ओके। तो आप देखिए, जो इनहिबिटर है वो क्या करता है, वो बाइंड करता है एंजाइम के साथ और ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे
एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन करके, वो तो एक नॉर्मल रिएक्शन है कि वो एंजाइम और प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब इनहिबिटर कंबाइन कर जाता है, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस इनहिबिटर, तो क्या बना देता है, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए यहाँ पे Km की वैल्यू जो है अनचेंज रहती है और Vmax की लो रहती है। ठीक है, तो आपको मैंने जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ाया था तो उसमें क्या था, Km की वैल्यू क्या थी, इंक्रीज हो रही थी और Vmax की कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे Km की वैल्यू अनचेंज है और Vmax की लो है। यहाँ पे जो हैवी मेटल्स हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं एंजाइम को, जो कि बाइंड करते हैं विथ साइटोसिनाइल सल्फिडाराइल ग्रुप्स। ठीक है, और जो जनरल रिएक्शन होता है मरकरी के लिए वो क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है, उसके साथ मरकरी बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट मरकरी कॉम्प्लेक्स प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो क्या हैवी मेटल्स क्या करते हैं, वो नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को, और वो बाइंड किसके साथ कर जाते हैं, सिस्टिनाइल सल्फा हाइड्राइल ग्रुप्स। अब हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए है और ये नॉन कॉम्पिटिटिव। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था, ये वेलोसिटी और के एम कॉन्स्टेंट के बीच में है। इसमें क्या बताया था कि के एम की वैल्यू इंक्रीज होगी और वी मैक्स जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन इस वाले में इसमें क्या है, इसमें वी सेकेंड वाले ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो इन्हिबिटर है वो क्या कर रहा है, के एम की वैल्यू बढ़ा रहा है, ठीक है, और वी मैक्स की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटिव इन्हीबिटर्स के, ठीक है ना, ये आप देख लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। फिर है आपका हैवी मेटल्स की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप्स के साथ एंड हिस्टिडिन के साथ, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल इनहिबिशन भी वो करते हैं। ठीक है, कभी कभी। फिर है इरिवर्सिबल इनहिबिशन, इसमें क्या होता है, देखो रिवर्सिबल में कर रहा था नॉन कोवेलेंटली और इसमें बाइंड करेगा कोवेलेंटली। ठीक है, तो देखिए इरिवर्सिबल इनहिबिशन में ये बाइंड करेगा कोवेलेंटली, ठीक है, और उन्हें इनएक्टिवेट कर देगा, और ये इरिवर्सिबल है, वहाँ पे रिवर्सिबल था कि हम अगर सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इनहिबिटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो एंजाइम को पॉइजन कर देता है। तो आयोडोएसीटेट जो है एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, ठीक है, पेपेन और ग्लिसरेल्डिहाइड की तरह। ठीक है, तो क्या करता है आयोडोएसीटेट क्या करेगा, कंबाइन करेगा एसएच ग्रुप के साथ एक्टिव साइट पे, ठीक है, और एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये आयोडोएसीटेट करता है और वो क्या है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। इसका सिमिलर किसकी तरह है, पेपेन और ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की तरह। अब हम देखेंगे डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है, DFP। ये क्या है, एक नर्व गैस है जिसको किसको किसने बनाया था, जर्मन्स ने ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये इरिवर्सिबल बाइंड करती है एंजाइम के साथ जिसमें सेरीन होता है एक्टिव साइट पे, यानी DFP विल कम्बाइन विथ दोज एंजाइम्स जिनकी एक्टिव साइट पे सेरीन होगा। ठीक है, और क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा ये, ठीक है, इरिवर्सिबल बाइंड करेगा एंजाइम के साथ। तो ये क्या, इसके एग्जांपल हैं सेरीन प्रोटीएजेस एंड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं जैसे कि मेलाथायोन, जो टॉक्सिक होते हैं एनिमल्स के लिए इंक्लूडिंग मैन, और वो ब्लॉक ब्लॉक कर देते हैं एक्टिविटी किसकी, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज की, जो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, नर्व कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो
तो किसके लिए भी टॉक्सिक होता है? मैन के लिए भी। तो वो ब्लॉक कर देते हैं किसको? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को, ठीक है, जो नर्व कंडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। फिर है डाई सल्फ्यूरम, ये एक एंटा एब्यूज़ है। ये ड्रग किस में यूज़ की जाती है? एल्कोहलिज्म में, ठीक है। ये इरिवर्सिबल बाइंड करती है एंजाइम के साथ, ADH के साथ। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, कि इसमें अल्कोहल एडिक्ट्स को ट्रीट किया जाता है डाई सल्फ्यूरम से, बिकॉज वो सिक हो जाते हैं एक्यूमुलेशन की वजह से किसकी? एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एक अल्कोहल एडिक्ट को डाई सल्फ्यूरम के साथ ट्रीट करते हैं, तो उनमें क्या एक्यूमुलेशन होने लग जाता है? एसिटाल्डिहाइड का। क्यों? क्योंकि वो इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देता है एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को, ठीक है, जिसकी वजह से वो अल्कोहल को अवॉइड करने लग जाता है। क्योंकि अल्कोहल जो है वो मेटाबोलाइज होता है दो एंजाइम से, ठीक है। पहला तो एक्ट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर, ठीक है, ताकि उससे एसिटाल्डिहाइड मिले, ओके। और दूसरा जो है एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में, ओके। फिर आपने देखा होगा कि हम कुछ एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स एक्ट करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है, जिस एंजाइम में सेराइन होगा उनके साथ इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देंगे, इनहिबिटर की तरह एक्ट करेंगे और ब्लॉक कर देंगे बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को। फिर है साइनाइड, साइनाइड इनहिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। साइनाइड क्या करता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को बाइंड करके आयरन एटम के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है? इनहिबिट करता है। फ्लोराइड क्या करता है? एनोलेज को इनहिबिट करता है। क्या कर देता है? उसमें से रिमूव कर देता है मैग्नीज को और 10 ग्लाइकोलिसिस को। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार हम रिवाइज करेंगे ताकि आपके लिए ईजी हो याद रखना, ठीक है। हमने बात की डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट के बारे में, जो एक नर्व गैस है, जर्मन ने इसे बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये इरिवर्सिबल बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ जिनके पास सेराइन होता है एक्टिव साइट पे। इसके एग्जांपल बताए थे इससे सीरीन प्रोटीजेस और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। फिर ऑर्गेनोफोस्फोरस इंसेक्टिसाइड बताए थे मेलाथाइन, जो टॉक्सिक है एनिमल्स के लिए भी और मैन के लिए भी, और वो ब्लॉक कर देते हैं एसिटाइल कोलाइन की एक्टिविटी को, ठीक है। फिर हमने डाइसल्फ्यूरम के बारे में बताया था, जिसको ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है अल्कोहलिज्म के लिए, और ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, और ये क्या कर देता है? अल्कोहल एडिक्ट को दी जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? उसमें एक्यूमुलेशन होने लग जाती है एसिटाल्डिहाइड की, ठीक है। और फिर हमने पेनिसिलिन के बारे में बात की थी कि रिवर्सिबल इनहिबिटर है सेराइंस के लिए, जिन एंजाइम में सेराइन होता है और उनकी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। फिर साइनाइड जो इनहिबिट कर देता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को बाइंड कर देता है हायर एटम के साथ और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इनहिबिशन का काम करता है। फिर है फ्लोराइड जो इनहिबिट करता है एनोलेज को, क्या कर देता है? रिमूव कर देता है मैग्नीज को। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो है सुसाइड इनहिबिशन, ठीक है। सुसाइड इनहिबिशन एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। इस केस में सुसाइड इनहिबिशन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। इस केस में क्या होता है कि जो ओरिजिनल इनहिबिटर है, जो स्ट्रक्चरल एनालॉग है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जो वो और ज़्यादा पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसको कन्वर्ट कौन करता है? सेम एंजाइम जिसको इनहिबिट करना था उस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को। तो क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो और ज़्यादा पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको कन्वर्ट कौन करता है? सेम एंजाइम। और वो कैसे बाइंड करता है? इरिवर्सिबली विद द सेम एंजाइम। और ये अलग है उस इनहिबिटर से जो पहले रिवर्सिबली बाइंड करता था। तो इसका एग्जांपल है एलोप्यूरिनॉल, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलोप्यूरिनॉल क्या है? एक इनहिबिटर है किसका? जेंथाइन ऑक्सीडेज का, जो कन्वर्ट हो जाता है एलोक्सेन, ठीक है। ये क्या है? इफेक्टिव इनहिबिटर है इस एंजाइम का। ऐसे ही हम कुछ पुराइंस और पायरिमिडिन्स एनालॉग्स को कैंसर थेरेपी में यूज़ करते हैं सुसाइड इनहिबिशन के बेसिस पे। जैसे कि एग्जांपल है आपका 5-फ्लोरोयूरेसिल कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडाइलेट में, जो इनहिबिट करता है एंजाइम थाइमाइडाइलेट सिंथेस को, ठीक है, एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को। तो कैंसर में आपको पता है सेल्स
मल्टीप्लाई होती रहती हैं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए हमने क्या किया, सुसाइड इनहिबिशन की बेसिस पे हमने क्या किया, कुछ पिराइन और पायरामिडिन के एनालॉग्स को यूज़ किया कैंसर थेरेपी में। और इसके एग्जांपल है 5-फ्लोरोयूरेसिल, जो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोडीऑक्सीयूराइडाइलेट में, जो इनहिबिट कर देता है एंजाइम को थाइमाइडाइलेट सिंथेस को, और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस जो है रुक जाती है, यानी फर्दर कैंसर सेल्स को ग्रो होने से रोकता है।